सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज हम आपको पार्ट टू में दिखाते हैं कि यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं कलिंगुट बीच में। ये रहा यहाँ का मेन गेट, और यहाँ से अंदर जाते ही आप सीधे बीच में भी जा सकते हैं, और यहाँ पे साइड में पूरा बाथरूम, और अगर आप बीच से होके आते हैं तो पूरा चेंजिंग रूम्स वगैरह आपको अवेलेबल हैं। बस आपको पे करना पड़ेगा, फ्री में नहीं है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कलिंगुट बीच। और बीच जाने के लिए रास्ता कुछ ऐसे बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। हमें तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब यार थोड़ा अनोखा सा, यूनिक सा, कितना सुंदर लगता है ऐसे ये झोपड़े से बने हुए हैं। और मेन बात बता दूँ, गोवा में आपको मिलेगी खुलेआम शराब। यहाँ पे आप कहीं भी चाहिए, ओपन में काफ़ी ज़्यादा शराब मिलती है। और ये वाला बीच मेनली हमने देखा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स मिल जाते हैं। अगर आपको रेस्ट करना है और ये बेड्स इन पे लेट के व्यू का मज़ा लेना है तो आपको इनके लिए पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनके जो ये होटल होता है, आप अगर इनसे यहाँ से खाना खाते हैं तो आपको बेड फ्री में मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं कैसे विदेशी लोग भारत में आके मज़े लेते हैं बीच के। और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वो भी सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक ही होते हैं, मतलब शाम के 6 बजे तक में लगभग, क्योंकि जो बीच वगैरह एरिया होते हैं तो ये शाम के टाइम पे पानी ज़्यादा ऊपर आ जाता है और दिन में थोड़ा नीचे रहता है, तो दिन में वाटर स्पोर्ट्स सही से हो जाते हैं। शाम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पानी में उथल पुथल रहती है। और यहाँ पर साइड से जो नीचे की तरफ रेड फ्लैग लगाए हुए रहते हैं वहाँ पर तक ही जाने को वैसे परमिट है, वहाँ से ज़्यादा हम नीचे नहीं जा सकते हैं। सिक्योरिटी वाले भी चेक करते रहते हैं। सारे बीच मिले हुए हैं, आप कोई बीच से लिए ऊपर मेन बाबा बीच में भी जा सकते हैं। और टोटल 3-4 बीच ऐसे